दिगरा शहर के कमान गेट के करीब स्थित शहीद स्मारक रोड पर सड़क के बीच में बना चेम्बर परिसर दुकानदारों और राहगीरों के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है। बीते 5 सालों से इस समस्या से निजात पाने के लिए कई बार नगरपालिका प्रशासन को इस संदर्भ में शिकायत की गई, लेकिन नगरपालिका के संबंधित अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को केवल आश्वासन के ढकोसलों के अलावा इसका कोई हल ही नहीं ढूंढा। मालूम हो कि शाह स्मारक चौक परिसर से रोजाना हजारों की संख्या में राहगीरों और वाहन चालकों का आना जाना लगा रहता है। आम दिनों के साथ ही बारिश के दिनों में इस चैम्बर के ओवरफ्लो हो जाने से फैलने वाली दुर्गंध से असहनीय पीड़ा उत्पन्न होती है। इस समस्या से जूझ रहे परिसर के लोग स्थानीय नगर पालिका प्रशासन के नजरअंदाज रवैये से नाराज है। 5 साल से बने हुआ है, इसका कोई इसमें रिकॉर्ड नहीं है नगर परिषद में, और नगर परिषद भी ख्याल नहीं दे रही। ऊपर मैंने कलेक्टर तक गया, वो भी कोई ख्याल नहीं दे रहे हैं। और आने जाने को तकलीफ, गाड़ी वालों को तकलीफ, मेरी ग्रुप की गाड़ी आती है उसको तकलीफ, झगड़े झड़ बने हुआ है। वो चैम्बर करीब 2-3 बाया गिर चुकी है, यहाँ पर आदमी गिर चुके, गाड़ी वाले गिर चुके, कोई ख्याल देने तैयार नहीं सरकार। 10 की कोई शिवसेना सरकार है, ऊपर ही सरकार शिवसेना के लिए कोई ख्याल नहीं दे रहे उसको। गौरतलब है कि समस्या को लेकर लगातार संबंधित विभाग से संपर्क कर शिकायत करने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में शुक्रवार को भी नगरपालिका को इस समस्या से अवगत कराया गया, जिसके बाद संबंधित विभाग के इंजीनियर और कर्मचारियों ने चैम्बर का जायजा लिया, इसे दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि अब की बार इसका कोई पुख्ता हल निकलता है या हमेशा की तरह नगरपालिका प्रशासन द्वारा इस मेन होल की मरम्मत के काम को काम चलाओ नीति से निपटाया जाता है। NBC न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।